हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज संतोष ब्रह्मन हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगा, और ये जो ट्रिक है आप मोबाइल से भी कर सकते हो या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। तो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ। तो कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, मैं यहाँ पर फायरफॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम हो सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकते हैं, ओपेरा मिनी, जो भी ब्राउजर है आपके फ़ोन के अंदर उसको यूज़ करें। सर्च बार पे आइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है PDF कंप्रेसर। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, तो आप चाहे तो उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो उस साइट पे। PDF कंप्रेसर टाइप करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आएगा आई लव PDF, इस पर जाना है आपको। ठीक है, इस ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहला जो लिंक है यहाँ पर सिलेक्ट PDF करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको जाना है, अपना जो PDF है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा देख सकते हो यहाँ पर PDF का जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर नीचे के साइड पर कंप्रेस है, उसके ऊपर कुछ सेटिंग्स है। एक्सट्रीम कंप्रेस, अगर बहुत ही छोटा सा आपको साइज़ चाहिए तो आप एक्सट्रीम कर सकते हो, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा लॉस हो सकते हैं। रिकमेंडेड सेटिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, और लेस कंप्रेशन मीन्स आपका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, अपना ओरिजिनल फाइल से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर साइजेस ये साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप रिकमेंडेड कंप्रेशन पर जाइए। और अगर आप इसके साथ मल्टीपल PDFs भी कंप्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पर और भी PDFs का साइन है, तो प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद और भी फाइल्स जो होगा उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर एक ही फाइल है, तो मैं इसी को फिर कंप्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको रिकमेंडेड कंप्रेस को चूज़ करके यहाँ पर करना है कंप्रेस PDF। और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए प्रोसेस चल रहा है, 76 यहाँ पर देख सकते हो, 100% जब हो जाएगा आपके पास एक डाउनलोड का लिंक आएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरा जो साइज़ है वो 70 MB का साइज़ है ओरिजिनल जो फाइल है, और इसको कंप्रेस करके कितना साइज़ देगा देखते हैं चलिए। और इस टाइम पर अगर इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए तब भी कंप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। और बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी उसके ऊपर बनाने वाला हूँ जल्दी, तो आप वीडियो को पूरा तो देखिए, चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 10% मेरा जो कंप्रेशन है वो प्रोसेस हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी लिंक कॉपी करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं किसी को, और यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स पे भी, यहाँ पर हम लोग अगर पसंद नहीं आता है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड कंप्रेस PDF पे क्लिक करेंगे और आपका जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मैंने 2 बार डाउनलोड किया था, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस फाइल का जो साइज़ है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए फोल्डर पे चलते हैं, और इसका जो साइज़ आप देख सकते हो 64 MB के आसपास है। सो वो था 70 MB और ये है 64 MB। बहुत ही छोटा कंपेरिजन हुआ है बट इफ़ेक्टिव है। अगर हम लोग इसको ओपन करें तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो मैं अगर जूम इन करता हूँ इसको, तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रीडेबल है, पढ़ सकते हैं। बंगाली पे है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छा बुक है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, और इधर अगर ओरिजिनल फाइल को ओपन करते हैं हम लोग, ये जो ओरिजिनल फाइल था ये था 70 MB का, तो इसका भी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, जो भी क्वालिटी है वो आपके सामने होगा। सो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक से पेज फीड पे करूँगा, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी ठीक ठाक है। तो इस तरीके से आप अपने PDF को कंप्रेस कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, सिंपल सा वीडियो है, तो लाइक कीजिए, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके का कोई भी कंटेंट चाहते हो तो कमेंट करके डेफिनेटली बोलना, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।